Students, let us start with our 30th activity of Standard 8's English Bridge course. Now see, in today's activity, we are actually going to learn about different parts of speech, right? But ये क्यों हमको सीखना है? Because parts of speech तो हम 5th से ही करते आ रहे हैं. Noun क्या है, pronoun क्या होता है, verb क्या होता है, ये हमको सबको आता है. लेकिन उसका use करके हमको हमारा communication कैसे effective करना है, इसलिए हमको इसको ज़रा क्या करना है, थोड़ा हल्का रिवीजन करना है. सो हियर टुडेज लर्निंग आउटकम इज़ दैट यू विल बी एबल टू यूज़ एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल फॉर्म्स इन कम्युनिकेशन. हम बोलते ज़रूर है कि कम्युनिकेशन करते वक्त हमको सिर्फ फ्लुएंसी चाहिए, बट फ्लुएंसी कब आएगी? व्हेन यू विल हैव कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास उतनी वर्ड पावर रहेगी. यू विल व्हेन यू विल हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, राइट? सो नेक्स्ट यू सी what your teachers will do for you. आपके teachers आपको identify करने के लिए help करेंगे, या they will ask you to identify the different parts of speech. They will provide you some worksheets to complete the activity correctly. They will also give you maximum practice so that you can categorize the parts of speech. फिर आपको communication के लिए या फिर identify करने के लिए वो parts of speech के examples दिए जाएंगे. Instructions के हिसाब से you have to complete that chain. वर्ड चेन, राइट? तो यार इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन में हेल्प इस्तेमाल करने वाले हैं, यूसेज करने वाले. यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन. सो लाइकवाइज आपको टीचर जो आपके इंस्ट्रक्टर है वो सवाल पूछेंगे, आपको उसके जवाब देने हैं. नाउ पे अटेंशन हियर, आपको अभी ये भी दिया है, इसके पहले देखो हमने कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटीज़ की है. व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन यानी जहाँ पर हम क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसके जवाब लिखते हैं. नाउ रिमेंबर, पैराग्राफ पढ़ के उसके जवाब लिखना ये भी ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग, जब हम रीडिंग करते हैं तब रीडिंग करते करते ही क्या करते हैं, उसके उसमें लाइक पैराग्राफ में आए हुए नए सवाल, नए वर्ड्स, ये क्या करते हैं, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वर्ड पावर बढ़ती है. सेकेंडली, व्हेन यू आर रीडिंग द सेंटेंसेस, आपको उसका एक स्ट्रक्चर समझ में आता है कि किस तरीके का सेंटेंस है, उसका टाइप समझ में आता है. यस और नो? तो जब हम कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें भी हमको ग्रामर की अननोइंगली बिना लाइक यू नो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाती है. बट येस, यू हैव टू डू द रीडिंग. फिर उसके बाद देखो बताया गया है कि आपको क्या करना है. व्हाट यू विल डू इज़ यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू यू. जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आपको सुनने हैं. ऑल्सो फॉलो, यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज पर द सजेस्टेड गाइडलाइंस. आपको जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके मुताबिक आपको वो इंस्ट्रक्शंस क्या करने हैं, फॉलो करने हैं. एंड देन ऑफकोर्स जो जो एक्टिविटीज़ आपको दिए जाएंगे उसको आपको एक्सप्लोर करना है, उसमें पार्टिसिपेट भी करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट, आपको अभी यहाँ पर बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द एक्टिविटी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच? सी, सो फार वी हैव लर्न 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन एक 9th भी ऐड की गई है. जो क्या है मैं आपको बताऊंगी. नाउ सी, द फर्स्ट वन इज नाउन. नाउन क्या है आपको पता है, नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल और बर्ड. नाउन यानी वो चीज़ रहती है, किसी शख्स का, इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, या फिर परिंदे और जानवर का नाम रहता है. जैसे एनिमल में टाइगर वगैरह है, बर्ड्स में पिकॉक हैन है, थिंग्स में पेन, टॉय, बुक, क्लॉक, पर्सन में टीचर, डॉक्टर, मदर, हेतल, राज, ये प्रॉपर नाउन्स है. लेकिन ये भी यहाँ पर हम टाइप नहीं देख रहे, तो नाउन ही मानेंगे. एंड देन प्लेस, वी विल टॉक अबाउट स्कूल, होम, ये बॉय शोर बीच में नहीं आएगा, दिस इज़ एक्चुअली नॉट बॉय, इज़ नॉट बे, यू कैन हैव योर इन प्लेस ऑफ दिस बे, राइट? एंड शोर यानी किनारा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या किया है, नाउन क्या समझा. नाउ सी, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या रहता है? प्रोनाउन इज़ व्हाट? प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. जब नाम यानी नाउन बार बार रिपीट होता है तब उसकी जगह लेता है ये प्रोनाउन. ये प्रोनाउन उस नाउन के जगह पे आता है. और इतना ही नहीं कि सिर्फ इंसान का नाम, लेकिन उस पर्सन, प्लेस और थिंग के हर जगह पे आता है. तो कहाँ पर आएगा? देखो, जैसे राज एक लड़के का नाम है तो उसकी जगह पे आता है ही. यू यानी तुम. राज एंड रोशन दो बॉयज़ है. जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तब उसका दे होता है ग्राम प्रोनाउन. माई फ्रेंड्स एंड आई, जब कोई और लोग और उसमें मैं भी हूँ, जब और लोग और उसमें मैं भी शामिल हूँ तो उसका बनता है वी.
देन आई यानी मैं खुद, माई मदर, अब यहाँ पे माई मदर की जगह पे मैं और कुछ भी ले सकती हूँ, जैसे कोई भी लेडी के लिए, जैसे माई सिस्टर, माई टीचर, माई ग्रैंड मदर, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, वो एक है, वन है, इसके लिए शी आएगा। एंड देन कोई भी एक एनिमल, एक बर्ड या एक नॉन लिविंग थिंग रहता है तो उसको टी इट आता है। याद रखो टी एच ई वाई दे, ये प्रोनाउन प्लूरल के लिए आता है। वो फिर ही का भी प्लूरल है, शी का भी प्लूरल है, इट का भी प्लूरल है, ठीक है। यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी दे आता है, ही शी के लिए भी दे आता है। देन नेक्स्ट वर्ब क्या है, देन वर्ब इज़ व्हाट, सी हियर इट इज़ गिवन, वर्ब कैन टेल व्हाट एक्शन समवन और समथिंग इज़ डूइंग, कोई या कोई चीज़ या कोई शख्स क्या काम कर रहा है वो बताया जाता है। सो ये वर्ब जो है वो दो तरीके के हैं, इट कैन बी स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कैन बी एक्शन। जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग यानी क्या, होना, इज़, दिस इज़ अ हाउस, ये घर है, तो यहाँ पर इज़ क्या हुआ, वर्ब हुआ, वो ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, वी अंडरस्टैंड, वो टाइप्स है उसके, लेकिन वो वर्ब हुआ। एम, आर, ये सब क्या है होने की वर्ब है। वॉज, वर, था या थे, ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज़ का होना ये बताते हैं। एक्शन में क्या आता है, जैसे कम, प्ले, गो, रीड, ये हम करके बता सकते हैं, कम यानी आने की एक्शन करके बता सकते हैं, प्ले की एक्शन करके बता सकते हैं, गो की बता सकते हैं, रीड की भी बता सकते हैं। सो वर्ब यानी क्या है, वर्ब यानी एक्शन, किसी होने के बारे में किसी चीज़ के, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है या कोई भी एक्शन वो बताता है। देन नेक्स्ट इज एडजेक्टिव, अभी एडजेक्टिव क्या है आपको पता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमको क्या बताता है, किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में और मालूमात देता है। यूजुअली वो नाउन के पहला आता है, इट कम्स बिफोर, बट वो बाद में भी आ सकता है। एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी दे आर, लाइक काइंड क्या है, टॉल, बिग, ग्रीन, हाउ मैनी क्या है, वन, टेन, फर्स्ट, लास्ट, ऐसे बहुत सारे आपके पास टाइप्स रहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे स्लोली ग्रेजुअली, बट अभी फ़िलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन क्या है वो देख रहे हैं। देन यू हैव आर्टिकल, दिस इज़ दैट नाइन्थ पार्ट जो मैंने आपको बताई थी, हमने इसके पहले आर टी सीखे थे, अभी ये जो आर्टिकल पार्ट है वो भी इसमें एडेड है। वट आर दिस आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपको पता है, अ, एन एंड द, ये तीन जो है इनको आर्टिकल्स कहा जाता है, स्पेशली दे बिलोंग टू अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स कॉल्ड आर्टिकल्स। एन आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस, और वो कब आता है, किसी भी नाउन के, किसी भी नाम के पहले आता है, जैसे सन नाम है, द सन, क्योंकि वो एक ही है, द मून, तो ये जो चीज़ दुनिया में एक ही है उसको द लगता है, या फिर जिस चीज़ के जिस चीज़ को हम रिपीट करते हैं बार बार उसमें भी द आता है, ये हम स्लोली पढ़ेंगे। अ डॉग, अ रैबिट, जिसका स्टार्टिंग साउंड डॉग ड से स्टार्ट होता है, ड ड, रैबिट र से स्टार्ट होता है, र, रैबिट, तो जिसमें कंसोनेंट साउंड है, राइट, यानी जो हिंदी के आपके अक्षर है, व्यंजन, क, ख, ग, घ, पता है मराठी में है, उर्दू में भी ऐसे रहते हैं, तो ये जो साउंड है वहाँ पे क्या होता है, अ आता है, स्पेलिंग नहीं देखना, उसका साउंड सुनना है। वेयर एज नीचे देखो एप्पल है, एंट है, तो यहाँ पे क्या मिला, ए, ए यानी क्या है, अ, आ, ई, ई, अ साउंड, वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एन लगा, ठीक है, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है आपको एडवर्ब, अभी एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज़ आल्सो वेरी सिंपल गिवन हियर, सी, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब क्या करता है कि या ये तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, या तो एक्शन को बताएगा, नहीं तो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा, जैसे कि हाउ, कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, एंड कौन से एक्सटेंट तक, कितने हद तक हुआ, ये बताता है हमारा एडवर्ब वर्ब के बारे में, जैसे कि हाउ हुआ, कैसे हुआ, स्लोली हुआ, फास्ट हुआ, क्लियरली हुआ, व्हेन, कब हुआ, इन द मॉर्निंग, आफ्टरवर्ड्स, बिफोर, वेयर, कहाँ हुआ या कहाँ होगा, एट द बस स्टॉप, नियर द मार्केट, और उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री मतलब उसकी कितने हद तक वो हुआ है, तो वेरी, एक्सट्रीमली, ये वर्ड्स क्या है, एडवर्ब कहा जाते हैं। अब ये जो हम बताए गए यहाँ पे और एडजेक्टिव के बारे में, अन द वर्ब के बारे में, ये भी हम स्लोली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मीनिंग के लिए मैंने आपको सिर्फ ये बताई हो। नेक्स्ट आपको बताया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, इट कनेक्ट्स द नाउन और प्रोनाउन टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये क्या करता है, उसको बचे हुए सेंटेंस से जोड़ता है, इट शोज़ द पोजीशन, ये क्या बताता है सेंटेंस में,
वेयर, वेयर यानी कहाँ पर, यानी एक्शन कहाँ पर हुई. फॉर एग्जाम्पल एट द बस स्टॉप, नियर द मार्केट, लाइकवाइज. तो इस तरीके से हमारे एडवर्ब आपको समझ में आए. ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन विच वी स्टार्टेड जस्ट नाउ. प्रेपोजिशन क्या करता है, सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन को रेस्ट सेंटेंस से कनेक्ट करता है. इट शोज यू द पोजिशन. पोजिशन यानी प्लेस बता, जैसे इन, ऑन, अंडर या फिर नियर. ये बताता है आपको कि उस नाउन या प्रोनाउन का रेस्ट सेंटेंस से कैसे कनेक्शन है, प्लेस में क्या कनेक्शन है. क्लियर. नेक्स्ट इज कंजंक्शन. नाउ व्हाट इज़ अ कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या करता है, सेंटेंस में आए हुए दो वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है. ऑल्सो कभी कभी दो क्लॉजेस को वो जोड़ता है. राइट. तो यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स आते हैं उनको कंजंक्शन कहा जाता है, जैसे कि एंड, बट या फिर और. नेक्स्ट व्हाट इज़ इंटरजेक्शन देन. इंटरजेक्शन आपके एक्सप्रेशंस को शो करता है, जैसे कि वाओ, आउच, ओ नो, और उसके एंड में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. सो दिस वे इन शॉर्ट हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन लिया. व्हाट इज़ अ नाउन, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब इस पे बेस्ड आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है. यू कैन सी देयर डाउन आपको अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं. अब ये वर्ड्स हमको क्या करने हैं, कॉलम्स में अलग अलग क्लासीफाई करने हैं, स्पेशली नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब. इन सिर्फ चार ग्रुपों में हमको क्या करना है, इनको लिखना है. तो बिफोर दैट हम लोग पहले इसको रीड करते हैं. सॉफ्टली यानी सॉफ्ट से, टेबल, स्मॉल, कुक, फ्रीडम यानी आज़ादी, सॉल्टी नमकीन, कट, ब्यूटीफुल, प्ले, एंशियसली मतलब थोड़ा टेंशन में, अगली बदसूरत, साइंटिस्ट साइंसदा, फिशिंग आर्टिस्टिक यानी हुनर के साथ, गैदर जमाना, जेंटली यानी आराम से, क्विकली, टैको, टैको एक नाम है, नर्वसली यानी सैड होकर, थोड़ा सा नर्वस होकर, एलिफेंट, कलर, न्यू ऑर्लियंस एक नाम है प्रॉपर नाउन, एंड स्लीपी. तो ये जो अभी वर्ड्स हमने दिए देखे, इनको हमको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना है. सो लेट अस डू दैट. सी हियर यू कैन सी नाउन में क्या क्या आया, टेबल, एलिफेंट, साइंस, साइंटिस्ट, फ्रीडम, ऑर्लियंस, टैको एंड कलर. वर्ब में क्या आया, प्ले, गैदर, कट, फिशिंग एंड कलर. अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट. ओके, एडजेक्टिव देखते पहले, आर्टिस्टिक, सॉल्टी, ब्यूटीफुल, अगली, न्यू, कलर, स्लीपी एंड लास्ट है एडवर्ब. अभी एडवर्ब में क्या आया है, सॉफ्टली, क्विकली, नर्वसली, जेंटली एंड एंशियसली. नाउ रिमेंबर यहाँ पे दो तीन जगह पे फ़र्क है. सबसे पहला देखो, कलर नाउन में भी आया, वर्ब में भी आया और एडजेक्टिव में भी आया. यस, कलर खुद में एक नाउन है, कलर एक नाम है चीज़ का. फिर कलर करना वर्ब में आया, जैसे हम बोलते हैं ना कलर द पिक्चर, पिक्चर को कलर करो, यानी ये कलर वर्ब में भी आता है. सो कलर इज़ नाउन एज वेल एज इट इज़ अ वर्ब. और तीसरा दिया है एडजेक्टिव में भी कलर दिया है. यस, लेकिन ये कलर कौन सा है, ये कलर उनके नाम आएंगे, जैसे ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक, इन कलर्स के जब नाम आएंगे तब वो एडजेक्टिव्स में आएंगे. सेकेंड, उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लीपी ये एडजेक्टिव हुआ जिसको लास्ट में वाई आया है, या फिर अगली इसको लास्ट में एल वाई आया है, और ये जो एडवर्ब्स है ये सारे देखो एल वाई से एंड होते हैं. राइट. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एडवर्ब में और इस अगली में सबको एल वाई लगा तो एडवर्ब नहीं होता. जैसे एडजेक्टिव अगली हुआ है तो ये एडजेक्टिव है, अगली यानी क्या, बदसूरत. लेकिन एडवर्ब में एल वाई लगने से क्या हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको लास्ट में एल वाई लगा है, तो उसके पहले के वर्ड्स क्या है, देखो सॉफ्ट ये एक एडजेक्टिव है, सॉफ्ट यानी नरम, क्विक, नर्वस, जेंटल एंड एंशियस, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव. यानी जब एडजेक्टिव को एल वाई लगता है तब उसका एडवर्ब बनता है, ये याद रखो. आई रिपीट, जब किसी एडजेक्टिव को एल वाई लगता है तब उसका एडवर्ब बनता है. क्लियर. सो अगली में यू जी अग ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि अगली इट्सेल्फ इज एन एडजेक्टिव. अगली खुद ब खुद क्या है, एक एडजेक्टिव है. क्लियर.
नाउ उसके बाद देखो आपको एक स्टोरी दी गई है विच इज़ इनकम्प्लीट, वहाँ पे ब्लैंक्स बीच बीच में दिख रहे हैं और ब्रैकेट में आपको हेल्प के लिए दिया गया है कि यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे कोई एनिमल का नाम आएगा, फूड का नाम आएगा, लाइकवाइज हमको फिल इन करना है और हमारी राइटिंग कंप्लीट करनी है. सो लेट अस रीड इट, एक बार रीडिंग करेंगे. सी, स्टैंडिंग ऑन अ डैश ब्रांच, अ डैश वॉज लुकिंग एट डैश लेफ्ट ऑन द टेबल. The dash checked to make sure no one was watching and jumped to the ground. That is when a dash appeared and started chasing the dash away. Then, without waiting, the dash finally alone the dash could eat the dash in peace. Right? तो यहाँ पर story हमको थोड़ी सी समझ में आती. So see the story here. Standing on a big branch, a squirrel, animal हमको picture में दिख रहा है squirrel. So standing on a big branch, एक बड़े से टहनी पे खड़े होके, a squirrel was looking at the nuts left on the table. एक छोटी सी गिलहरी एक किचन, घर के किचन में, किचन के टेबल पे बचे हुए nuts देख रही थी. The squirrel checked to make sure no one was watching and jumped to the ground. उसने यहाँ वहाँ देखी और उसने क्या किया, squirrel ने jump किया ground पे. That is when a girl appeared. तभी एक लड़की वहाँ पर आई घर में की. And started chasing the tiny squirrel away. उसने उस squirrel को वहाँ से भगाना चाहा. Without waiting, the squirrel fooled the girl. वहाँ पर तभी उस लड़की एनिमल ने, squirrel ने क्या किया, उस लड़की को उल्लू बनाया. And ran to the tree along with the nut. वो वहाँ से भाग गई पेड़ पे वापस, लेकिन किसके साथ, हाथ में एक नट लेकर. Finally alone, the squirrel could eat the nut in peace. और वो जो एक नट वो लेके आई थी टेबल पे से, वो क्या कर किया उसने, पेड़ पर चढ़ के अकेले बैठ के खाती रही इन पीस, सुकून के साथ. देन लाइकवाइज आपको हेल्प के लिए देखो आगे डिटेल दिए हैं. नाउ दिस पिक्चर इज़ ब्लर एक्चुअली, जो आपको उस एक्टिविटी शीट पे दिया गया है, बट यहाँ पर दिया गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं. राइट, ओके. और आपके हेल्प के लिए देखो यहाँ पे ऊपर एक जो पिक्चर दिया है सेंटेंस का, वो बराबर उसी कलर में वो वर्ड्स दिए गए हैं. सो फॉर योर हेल्प सी, आपको दीक्षा के कुछ लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दीज लिंक्स और उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप देख सकते हैं. डेफिनेटली वो थोड़ा एंटरटेनिंग रहता है वीडियोज एंड कॉल साथ, आप देख सकते हैं. सो हियर व्हाट इज़ द टेक अवे, व्हाट हैव यू लर्न टूडे, दैट हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे एंड ऑल्सो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये सीखा. फिगर आउट करना मतलब क्या, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना. सो हियर अगेन और एक वर्ड हम सीखे, फिगर आउट. व्हाट इज़ दिस फिगर आउट, फिगर आउट करना यानी पहचानना, आइडेंटिफाई करना.